हेलो दोस्तों, मैं विक्रम, कोलकाता, वेस्ट बंगाल से। आज हम लोग का काम करेंगे, हुंडई i10 है। इसका एक तो चाबी है, एक तो न्यू चाबी बनाएंगे। इसको हम लोग डिकोड करेंगे। डॉल्फिन XP 005L की मदद से व्हीकल डेटाबेस। हुंडई में जाएंगे, सेंसर आते ना कि को विंडो हुंडई में जाके IX35 2009 से 2011 ओरिजिनल में जाएंगे। यहाँ पे थर्ड पोजीशन तक क्लाइम करने के लिए बोल रहा है। M5A क्लाइम, थर्ड पोजीशन तक क्लाइम कर दिया। अब करेंगे डिकोड। अब डिकोड की कंप्लीट। काट की यह पार्टिंग से शो करेगा। कटिंग की कंप्लीट। अब गाड़ी में लगा के चेक करेंगे। ये नया चाबी, ये ओल्ड चाबी। नया चाबी सिग्नेचर वन, नया ये ओल्ड चाबी से न्यू चाबी से। अब इसको KDM2 की मदद से हम लोग ट्रांसपोर्टर क्लोन करेंगे। मोबाइल कैटिंग में भी गए पहले। यहाँ पे जाने के बाद चीप फंक्शन में जाके ट्रांसपोंडर को, ओरिजिनल ट्रांसपोंडर को इधर अंदर रख के ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर स्टार्ट आइडेंटिफिकेशन। ट्रांसपोंडर 46 का चीप ट्रांसपोंडर है। चीप क्लोन, नॉर्मल क्लोन, प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन। KD डिवाइस स्टार्ट कलेक्टिंग कार इग्निशन सिग्नल। सिर्फ एक बार डाटा कलेक्ट करना होगा। कलेक्टिंग सक्सेस। प्लीज थ्रू द रिमोट बैक टू द कंटिन्यू डिकोडिंग। प्लीज डोंट मूव रिमोट। डिकोडिंग डिकोडिंग। प्लीज डोंट मूव रिमोट। Decoding succeed.
please put D key in B series remote or other 46 transponder, which can be copied there, and press copy. ट्रांसपोंडर वायरलेस कॉपी होता है. कॉपी सक्सीड. ओके, अब क्या करेंगे, इसको इसके अंदर डाल के करिए स्टार्ट. नहीं आ जा रही. थैंक यू. चलो 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 चलो.